हेलो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अपन करेंगे दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये दोस्तों एचटेट के ओल्ड पेपर में आए हुए प्रश्न है, जो कि एचटेट 2014 के 30 प्रश्न है। आप इन प्रश्नों के दोस्तों जवाब देने की कोशिश करना, देखना आप कितने सही कर पाते हैं। तो पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर है, जीन प्याजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल जाना जाता है, निम्न में से संबंधित है। यानी दोस्तों जीन प्याजे, जिन्होंने दोस्तों कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे काम किया था और दोस्तों इन्होंने विकास की चार अवस्थाएं बताई थी। इन चार अवस्थाओं में से दोस्तों अवस्थाएं आपके सामने दे रखी है, किस अवस्था को पूर्व प्रत्यात्मक काल के नाम से भी जाना जाता है? इंद्रिय गतिक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का टाइम पीरियड 2 से 7 वर्ष होता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इस अवस्था को दोस्तों पूर्व प्रत्यात्मक काल के नाम से भी जाना जाता है। दो नंबर प्रश्न आपके सामने, एक व्यक्ति के जीवन में नाम व प्रशंसा कमाने की इच्छा किस प्रकार का अभिप्रेरक है? आंतरिक अभिप्रेरक, बाह्य अभिप्रेरक, दैहिक अभिप्रेरक या मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक। तो दोस्तों एक व्यक्ति के जीवन में नाम व प्रशंसा कमाना, ये दोस्तों किस तरह का अभिप्रेरक होगा? तो ये आंतरिक अभिप्रेरक है दोस्तों, ना कि बाह्य व दैहिक या मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक। ये दोस्तों आंतरिक अभिप्रेरक है, नाम व प्रशंसा कमाना। ठीक है, जैसे आप कोई जॉब पाना चाहते हैं, जब तक बेरोजगार हैं तब तक कोई भी जॉब पाना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको नीड होती है मनी की। ये बाह्य अभिप्रेरक है, ना कि आंतरिक अभिप्रेरक। और आपकी एक स्पेशल मतलब जॉब की इच्छा है कि मैं अंतिम समय तक उस जॉब तक पहुंच जाऊं या उस लक्ष्य तक पहुंच जाऊं, वहां आपका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता, वो दोस्तों आंतरिक अभिप्रेरक होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 3 नंबर, हम में से कुछ लोग कुछ जो लंबे हैं तथा कुछ जो छोटे हैं, कुछ जो गोरे हैं तथा कुछ जो काले हैं, कुछ लोग मजबूत हैं कुछ कमजोर हैं, यह कथन किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित? बुद्धि व लैंगिक विभिन्नता पर, बुद्धि व प्रजाति विभिन्नता पर, व्यक्तिगत विभिन्नता पर, व्यक्तिगत प्रगतिशीलता पर। तो दोस्तों सीधी सी बात है, दुनिया में कोई भी व्यक्ति समान नहीं होता। यानी इस दुनिया में, होल ओवर संसार में दोस्तों कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं हो सकते। सब व्यक्तियों का रंग, उनकी बुद्धि में, उनके सोचने में, उनके संवेगों में, यहाँ तक कि उनके कद में, ठीक है, आदि में दोस्तों अंतर पाया जाता है। ठीक है, और ये अंतर दोस्तों व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है, और ये व्यक्तिगत भिन्नता ही दोस्तों इस संसार को निराला बनाती है, अनोखा बनाती है। मानकर चलिए सब इंसान आप जैसे ही होते, दुनिया आप जैसी लगती, तो इस दुनिया में दोस्तों अनोखापन नहीं आता। 4 नंबर है, संपुष्ट कार्यक्रम जरूरी होते हैं कमजोर अधिगमकर्ताओं के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए, साधारण बालकों के लिए, शारीरिक रूप से अयोग्य बालकों के लिए। तो 4 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। संपुष्ट कार्यक्रम दोस्तों प्रतिभाशाली बालकों के लिए अनिवार्य होते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बताऊं दोस्तों। तो जिन बालकों की वृद्धि सामान्य बालकों से अधिक होती है, यानी प्रतिभाशाली बालक, उन बालकों के लिए दोस्तों संपुष्ट कार्यक्रम चलाए जाते हैं। 5 नंबर है दोस्तों, चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ज्ञान व अनुभव की यथेष्टता, यथेष्ट अभिप्रेरणा, यथेष्ट स्वतंत्रता व लचीलापन, कम बुद्धि व ज्ञान। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, कम बुद्धि व ज्ञान। ठीक है, यानी दोस्तों चिंतन की प्रक्रिया में कम बुद्धि व
ज्ञान, ये बिल्कुल गलत है। बाकी दोस्तों ज्ञान व अनुभव चिंतन में बिल्कुल दोस्तों अच्छा रोल निभाता है, अभिप्रेरणा भी रोल निभाती है, स्वतंत्रता व लचीलापन तो निभाता ही निभाता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। छह नंबर है, वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन निम्न में से कौन सा है? वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारित करता है, यह शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, यह जुड़वां बालकों के जन्म में योगदान देता है, इसमें रुचि अभिवृत्ति पसंद नापसंद तथा मस्तिष्क की स्वेदात्मक भावनाएं समाहित होती है। तो दोस्तों छह का राइट आंसर बिल्कुल सही, चार नंबर ऑप्शन हो जाएगा, इसमें रुचि अभिवृत्ति पसंद नापसंद तथा मस्तिष्क की स्वेदात्मक भावनाएं समाहित होती है, ये दोस्तों गलत है बिल्कुल। बाकी दोस्तों वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारित करता है, यह शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, यह जुड़वा बालकों के जन्म में योगदान देता है, बिल्कुल सही है। सात नंबर है, निम्न में से कौन सा रचनात्मक आंकलन का एक उपयुक्त उदाहरण नहीं है? दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना आप, योगात्मक आंकलन रचनात्मक आंकलन इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर देखिए, ऑप्शन नंबर एक है दत्तकार्य, मौखिक प्रश्न, अवधि परीक्षा, प्रश्न व खेल। तो देखिए निम्न में से कौन सा रचनात्मक आंकलन का उपयुक्त उपकरण नहीं है? तो दत्तकार्य नहीं है दोस्तों, मौखिक प्रश्न, अवधि परीक्षा, प्रश्न व खेल, ये सारे के सारे दोस्तों रचनात्मक आंकलन के उपकरण हैं। आठ नंबर है, विज्ञान में मूल्यांकन। विज्ञान में मूल्यांकन पूर्णतः वैज्ञानिक तथा बहुकल्पीय परीक्षण होना चाहिए, विद्यार्थियों के क्रियाकलापों के अंत में होना चाहिए, सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए, केवल विषय व परतों को शामिल करें तथा प्रक्रिया व अभिवृत्ति को छोड़ दें। तो आठ का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा, सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए, ठीक है। नौ नंबर है, बुद्धि समावेश करती है अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, समालोचित चिंतन का या विचारशील चिंतन का? तो नौ का राइट आंसर बिल्कुल सही दोस्तों ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा, बुद्धि है वो अभिसारी चिंतन का समावेश करती है, ठीक है। और अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग दोस्तों गिलफोर्ड मोदे ने किया था, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। दस नंबर है, दुर्बलीकरण बाधा है शारीरिक स्तर पर, कार्यात्मक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, शैक्षिक स्तर पर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, दुर्बलीकरण है ये कार्यात्मक स्तर पर दोस्तों बाधा है, ना कि शारीरिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर या शैक्षिक स्तर पर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जीन प्याजे का सिद्धांत से संबंधित, प्याजे के संज्ञानात्मक सिद्धांतों की अवस्थाओं का क्रम पूछा है दोस्तों। तो जीन प्याजे ने दोस्तों कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर बहुत अच्छा काम किया था, इन्होंने दोस्तों कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी भी दी थी, और दोस्तों जीन प्याजे ने विकास की चार अवस्थाएं बताई थी। कितनी अवस्थाएं? चार अवस्थाएं बताई थी दोस्तों। पहली बताई थी इन्होंने स्वेदात्मक या संवेदी गामक अवस्था, जो कि दो वर्ष तक, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों संवेदी गामक अवस्था इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, ये और ये नहीं होगा, ठीक है। पहली अवस्था संवेदी गामक अवस्था बताई थी दोस्तों दो वर्ष तक। फिर बताई थी उन्होंने दोस्तों पूर्व संकीर्यात्मक अवस्था, तो देखिए दोस्तों इसमें मूर्त संकीर्यात्मक अवस्था आ गया, ये नहीं होगा। तो दो नंबर हो जाएगा, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संकीर्यात्मक अवस्था, मूर्त संकीर्यात्मक अवस्था और औपचारिक संकीर्यात्मक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था है दोस्तों ये दो वर्ष तक, और दोस्तों पूर्व संकीर्यात्मक अवस्था दो से सात वर्ष, मूर्त संकीर्यात्मक अवस्था दोस्तों सात से बारह वर्ष, और दोस्तों औपचारिक संकीर्यात्मक अवस्था बारह वर्ष बाद। नेक्स्ट प्रश्न है, समावेशी विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? समानता की भावना का विकास, धनात्मक आत्म सम्मान का विकास, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास, विशेष बालकों के नैतिक आचरण को उठाना?
तो 12 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास, ये गलत है दोस्तों। बाकी ऑप्शन नंबर 1 समानता की भावना का विकास बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 धनात्मक आत्मसम्मान का विकास बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 विशेष बालकों के नैतिक आचरण को उठाना बिल्कुल सही है। 13 नंबर है चिंतन अनिवार्य रूप से है एक क्रियात्मक गतिविधि, भावात्मक व्यवहार, संज्ञानात्मक गतिविधि या मनोगतिक प्रक्रिया। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चिंतन दोस्तों अनिवार्य रूप से मनोगतिक प्रक्रिया है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 15 नंबर है मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत किसने दिया, कुर्ट लेविन ने, सीटी मार्गन ने, लियोन फेस्टिंगर ने, हेनरी गोडार्ड ने। तो 14 का देखिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कुर्ट लेविन ने दिया था मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत। और दोस्तों इसके बारे में यदि मैं बात करूं तो इस सिद्धांत में दोस्तों मनुष्य तथा उसके सीखने की प्रक्रिया को निरपेक्ष न मानकर सापेक्ष माना जाता है, ठीक है। और दोस्तों इसके साथ साथ ही अनुभव के स्थान पर व्यवहार को अधिक बल दिया जाता है क्षेत्रवादी सिद्धांत में, जो कि कुर्ट लेविन महोदय ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों 15 नंबर है पद स्वेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा हुआ है, शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से या प्रौढ़ावस्था से। तो देखिए दोस्तों स्वेगात्मक क्रांति, तो इसका राइट आंसर देखिए दोस्तों 15 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, किशोरावस्था से जुड़ा हुआ है दोस्तों स्वेगात्मक क्रांति, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यानी किससे अधिक जुड़ा हुआ है स्वेगात्मक क्रांति, तो किशोरावस्था से। देखिए दोस्तों इस पर सबसे ज्यादा काम किया था स्टेनले हॉल महोदय ने। और इसके साथ साथ दोस्तों मैं स्वेगात्मक क्रांति के बारे में यदि बात करूं तो स्टैनफोर्ड बिन ने मापदंड के प्रतिमानों के अनुसार दोस्तों स्वेगात्मक क्रांति का संबंध किशोरावस्था से जुड़ा हुआ है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। 16 नंबर है किसने बहुबुद्धि सिद्धांत प्रतिपादित किया, अल्फ्रेंड बिने ने, हार्वर्ड गार्डनर ने, फ्रांसिसी गोल्टन ने या बीएस ब्लूम ने। तो दोस्तों बहुबुद्धि सिद्धांत है ये दोस्तों गार्डनर महोदय ने दिया था, किसने दिया था, गार्डनर महोदय ने, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और इन्होंने कहा था दोस्तों गार्डनर महोदय ने कि बुद्धि है वो एकांकी न होकर बहुकार की होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 17 नंबर निचली कक्षाओं में पढ़ाते समय एक शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए व्याख्यान विधि को, दत्त कार्य को, कहानी कथन को या समूह चर्चा को। तो दोस्तों निचली कक्षाओं को पढ़ाते समय एक शिक्षक को किसको प्राथमिकता देनी चाहिए, तो कहानी कथन को देनी चाहिए दोस्तों, सीधी सी बात है। व्याख्यान विधि तो दोस्तों उच्च कक्षाओं के लिए होती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों युवा अधिगमकर्ताओं में निम्न में से कौन पढ़ने में कठिनाई का द्योतक नहीं है, युवा अधिगमकर्ताओं में निम्न में से कौन पढ़ने में कठिनाई का द्योतक नहीं है, अक्षर व शब्द अभिज्ञान में कठिनाई, पठन गति व प्रवाह में कठिनाई, शब्दों व विचारों को समझने में कठिनाई, स्पेलिंग निरंतरता में कठिनाई। तो 18 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पठन गति व प्रवाह में कठिनाई। 19 नंबर देखिए दोस्तों मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है, गोल्डन एज कहा जाता है, कौन सी है दोस्तों, गोल्डन एज, सुनहरी अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो 19 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बाल्यावस्था को दोस्तों गोल्डन एज कहा जाता है, याद रखना बाल्यावस्था, यानी बाल्यावस्था से अधिक महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं होती दोस्तों, तो बाल्यावस्था को दोस्तों गोल्डन एज कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों वह विशेषता जो कि सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है, आमने सामने अंतःक्रिया, व्यक्तिक जवाबदेही, कार्यों पर जोर, शिक्षक केंद्रित। वह विशेषता जो कि सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है, तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, शिक्षक केंद्रित, ठीक है।
ये नहीं है दोस्तों। बाकी आमने सामने की अंतःक्रिया बिल्कुल सही, व्यक्तिगत जवाबदेही और कार्यों पर जोर, ये दोस्तों सहयोगात्मक स्थिति की सीमाओं में है, शिक्षक केंद्रित ये नहीं है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, सृजनात्मकता के बारे में क्या गलत है। सृजनात्मकता तथा बुद्धि सदैव साथ साथ चलते हैं। सृजनात्मकता में लचीलापन होता है। सृजनात्मकता सार्वभौमिक प्रत्यय है। सृजनात्मकता में अहम का समावेश होता है। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा दोस्तों, सृजनात्मकता तथा बुद्धि सदैव साथ साथ चलते हैं, ये कथन गलत है। बाकी दोस्तों ये सारी बिल्कुल सही है। सृजनात्मकता में लचीलापन पाया जाता है, बिल्कुल सही है। सृजनात्मकता सार्वभौमिक प्रत्यय, बिल्कुल सही है। सृजनात्मकता में अहम का समावेश होता है, बिल्कुल सही है ये भी, ठीक है। ये लक्ष्य है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक सिद्धांत के रूप में निर्मितवाद क्या है। तो दोस्तों निर्मितवाद ऑप्शन नंबर एक है, अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित करता है। अधिगमकर्ता की स्वयं के शब्दों का निर्माण करने की भूमिका पर जोर देता है। सूचनाओं को रटने तथा प्रत्यासमरण द्वारा परीक्षण पर जोर देता है। शिक्षक की प्रधान भूमिका पर जोर देता है। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों दो हो जाएगा, अधिगमकर्ता की स्वयं के शब्दों का निर्माण करने की भूमिका पर जोर देता है दोस्तों निर्मितवाद। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यानी दोस्तों निर्मितवाद है ये, मतलब अधिगमकर्ता के स्वयं सीखने पर बल देता है ज्यादा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है, अधिगम कार्यों के लिए विद्यार्थियों की तत्परता का आंकलन करना शिक्षकों के लिए कठिन है, क्योंकि तत्परता के सभी तत्व एक साथ परिपक्व नहीं होते। तत्परता के अधिकतर तत्व भारी रूप से दृश्य नहीं होते। अभिभावक अपने बच्चों को उपलब्धि के लिए धकेलते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों के बाह्य व्यवहार का निर्णय करने में कमजोर होते हैं। तो देखिए दोस्तों 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, तत्परता के सभी तत्व एक साथ परिपक्व नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 24 नंबर, इरफान खिलौने तोड़ता है तथा उसके अवयव को देखने के लिए उसे अलग कर देता है, आप क्या करेंगे। इरफान को कभी भी खिलौने के साथ खेलने नहीं देंगे, सदैव कड़ी नजर रखेंगे, उसकी जिज्ञासु प्रकृति को बढ़ावा देंगे तथा उसकी ऊर्जा को दिशा प्रदान करेंगे। 4 नंबर है, उसे बताएंगे कि खिलौने नहीं तोड़ने चाहिए। तो 4 का दोस्तों 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को दोस्तों बढ़ावा देंगे, क्योंकि वो खिलौने तोड़ता है और उसको अलग अलग करके देखता है। तो दोस्तों उसमें वैज्ञानिकता के गुण है, उसमें दोस्तों कौन सी बुद्धि है, अमूर्त बुद्धि, ठीक है, अमूर्त बुद्धि है दोस्तों उसमें। और वो दोस्तों उसमें जिज्ञासु प्रवृत्ति, उसको खोल कर देखना, वापस जोड़ना, देखना कि खिलौना बना कैसे है, ठीक है। तो आगे चलकर वो मैकेनिक या वैज्ञानिक लाइन में, इस तरह की लाइन में जा सकता है दोस्तों वो। नेक्स्ट है, एक शिक्षण विधि में दो या दो से अधिक सहयोग पूर्वक की योजना बनाते हैं, पूरा करते हैं तथा सदैव विद्यार्थियों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन आवर्ती रूप से करते हैं, यह विधि है। सर्व दृश्य शिक्षण, टोली शिक्षण, दृश्य शिक्षण, व्यक्तिक शिक्षण। तो 25 का राइट आंसर देखते दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, टोली शिक्षण। क्या है इसका राइट आंसर, टोली शिक्षण, ठीक है। 26 नंबर है, व्यवहार का संवेगात्मक पहलू निम्न में से संबंधित होता है, सीखने के संज्ञानात्मक पक्ष से, सीखने के भावात्मक पक्ष से, सीखने के क्रियात्मक पक्ष से, सीखने के मनोवैज्ञानिक पक्ष से। तो 26 का राइट आंसर देखिए दोस्तों, व्यवहार का संवेगात्मक पहलू निम्न में से संबंधित होता है, तो सीखने के भावात्मक पक्ष से संबंधित दोस्तों संवेगात्मक, ठीक है। दोस्तों एक बात बताता हूँ आपको, ABC, A फॉर एफिमेटिव, B फॉर बिहेवियर, C फॉर कॉग्निटिव। दोस्तों एक व्यक्ति में दोस्तों जैसा संज्ञान होगा, यानी ABC, सी मतलब कॉग्निटिव यानी संज्ञान,
जैसा संज्ञान होगा दोस्तों वैसे ही उसके भाव आएंगे, बी फॉर बिहेवियर, वैसे ही दोस्तों उसके भाव आएंगे, और जैसे ही उसके भाव आएंगे दोस्तों वैसे ही वो क्रिया करेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखने दोस्तों, ए बी सी। तो दोस्तों संवेगात्मक भाव, संवेग का संबंध किससे है, भाव से है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एक अच्छा विद्यालय वह है जो कड़ी प्रतियोगिता की भावना पर जोर देता है, जहाँ प्रत्येक बालक खुशी का अनुभव करे व बिना एक दूसरे के सहयोग से व्यक्तिगत रूप से सीखे, जो बालक के सामाजिक स्तरीकरण को समझे तथा कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील व प्रेरणा शपथ बनाए, जो आदर्श उत्तरों को याद करने पर जोर दे। तो 27 का सीधा सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर, जो बालक के सामाजिक स्तरीकरण को समझे तथा कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील व प्रेरणास्पद बनाए। 28 नंबर है, एक कक्षा में एक शिक्षक पढ़ाने के लिए बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है, यह तरीका उपयुक्त नहीं है। समूह वार्तालाप के लिए, प्रोजेक्ट विधि के लिए, प्रदर्शन के लिए या प्रश्नोत्तर के लिए। तो 28 का राइट आंसर देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, प्रदर्शन के लिए। एक कक्षा में एक शिक्षक पढ़ाने के लिए बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है, यह तरीका उपयुक्त नहीं है, तो प्रदर्शन के लिए नहीं है दोस्तों। 29 नंबर है, जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र के अधिगम में सहायता करता है तो उसे क्या कहते हैं, अधिगम का धनात्मक अंतरण, अधिगम का ऋणात्मक अंतरण, अधिगम का शून्य अंतरण, अधिगम का परम अंतरण। तो 29 का राइट आंसर देखिए दोस्तों, अधिगम का धनात्मक अंतरण कहते हैं दोस्तों। आपने साइकिल चलाना सीख लिया दोस्तों, मोटरसाइकिल चलाना सीख रहे हैं, उसमें जो साइकिल चलाना सीखा था वो दोस्तों सहयोग कर रहा है, मतलब ये धनात्मक अंतरण है। यदि वो दोस्तों उसमें सहयोग नहीं कर रहा होता तो वह ऋणात्मक अंतरण होता। यदि वो दोस्तों ना तो वो सहयोग कर रहा और ना ही वो नुकसान कर रहा था तो मतलब शून्य अंतरण, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों 30 नंबर, एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है, विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान, अच्छा संप्रेषण कौशल, विद्यार्थियों के हित का ध्यान रखना या प्रभावी नेतृत्व गुण। तो दोस्तों एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अच्छा संप्रेषण कौशल होता है दोस्तों एक प्रभावी शिक्षण में या एक अच्छे शिक्षण में, अच्छे शिक्षक में, ठीक है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना।